छत्तीसगढ़ के पेलीमेटा सहकारी समिति के ठाकुर टोला में धान खरीद ना होने से किसान उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि धान खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि पेलीमेटा सहकारी समिति के ठाकुर टोला में उपकेंद्र धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर पहले भी किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया था। आदेश जारी नहीं होने पर किसान फिर से आज आंदोलन पर उतर आए और शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष खमहन ताम्रकार ने कहा कि यह मांग बहुत पुरानी मांग है जो आज तक पूरी नहीं हुई है। पेलीमेटा सोसाइटी में 34 गांव के 2200 किसान 35 किलोमीटर से धान बेचने आते हैं। पेलीमेटा सोसाइटी पूरे संभाग में बड़ी सोसाइटी है। जिले में 22 नए धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। केवल ठाकुर टोला को छोड़ दिया गया है जो कि सबसे जरूरी उपार्जन केंद्र था। सत्र 2020-21 में 1,00,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन पेलीमेटा सहकारी समिति में व्यवस्था को देखते हुए यह संभव नहीं है। बताते चले कि किसानों ने चेताते हुए कहा कि यदि किसानों की मांग को नहीं माना जाता तो वह चक्का जाम करेंगे। धरने में क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये किसानों ने जो धरना दिया आपके पेलीमेटा और जो है आसपास के किसान बहुत से यहाँ मौजूद हैं, और पिछली बार भी इन्होंने दिया था, कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें इन्होंने अपने कुछ मांगों को रखा है। हाँ। और एक ठाकुर टोला में ये चाह रहे थे कि एक्चुअल में क्या है, इसका क्या है, क्या कुछ निर्देश सरकार द्वारा आपके पास आया है? एक्चुअल में क्या है, यहाँ कलेक्टर महोदय द्वारा ठाकुर टोला में नवीन खरीदी केंद्र स्टार्ट करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, पर इस वर्ष तो प्रस्ताव स्वीकृत तो नहीं हुआ है। परंतु क्या किसानों के सुविधा को दृष्टिकोण रखते हुए अब ठाकुर टोला में 2 दिन खरीदी के लिए निर्णय लिया गया है और 3 दिन पेलीमेटा में खरीदी के लिए निर्णय लिया गया है। 3 दिन मतलब किसान अपना धान पेलीमेटा में दे सकते हैं और 2 दिन वहाँ आपका ठाकुर टोला में ठाकुर टोला मतलब ये उसके लिए कार्यवाही जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। कब से शुरुआत हो सकती है इसमें भी? अब 2 दिन का समय है, हो सकता है कि मंगलवार बुधवार से स्टार्ट हो जाए, मतलब इसी वीक में हो जाएगा। हाँ, आने वाले वीक में लगभग स्टार्ट हो ही जाएगा। और कोई निर्देश आए किसानों के लिए आपके पास? नहीं, अभी ऐसा और कोई निर्देश नहीं है, सिर्फ नहीं है जी। नाम और पद बता दीजिए। हाँ, प्रीतम कुमार साहू, तहसीलदार छिगदान। तो कहें जो धान की आवक है 1,00,000 क्विंटल से अधिक होने वाला है, प्रतिदिन 5,000 बैग धान खरीदी यहाँ हो रहा है। पूर्व में भी अल्टीमेटम दिया गया था बाजार में प्रदर्शन करके। पूर्व में अल्टीमेटम देखो, जब शासन से एक प्रस्ताव मांगा गया कि कौन कौन से केंद्र अति आवश्यक है, उस समय ठाकुर टोला से संपूर्ण दस्तावेज लेकर के हमारे सोसाइटी के प्रबंधक संचालक मंडल गए थे, कलेक्टर के माध्यम से, मंत्री के माध्यम से अपनी पूरी बात को रखे थे। उसके बाद भी एक एक मतलब मैं स्वयं देखा हूँ, पूरे कागज इनकी कंप्लीट है और ऐसे कोई शर्त नहीं है नवीन उपार्जन केंद्र खोलने का, ऐसे कोई शर्त नहीं है जो ठाकुर टोला केंद्र पूरा नहीं करता, चाहे वो जमीन के रकबा के मामला हो, चाहे वो किसानों की संख्या हो, दूरी की मामला हो, हर शर्तें ठाकुर टोला के किसान, ठाकुर टोला का केंद्र पूरी करता है, उसके बाद ये उपार्जन केंद्र नहीं खोलना दुर्भाग्य का विषय है। आगे की क्या कर रहे हैं? आज बैठक है और हम अधिकारियों का इंतजार है। बीच में 1-2 चरण में अधिकारियों से बात हुई है, SDM साहब से कल कलेक्टर साहब का दौरा हुआ था, लेकिन कोई प्रमुखता से यहाँ जानकारी सरकार के अधिकारी बचना चाह रहे हैं, इस कारण से आज अभी हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, अधिकारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अधिकारी आ जाएं, अपना निर्णय बता दें, उसके बाद हमारा जो टीम है या पूरे किसानों की जो आज समूह बैठी हुई है वो निर्णय लेंगे कि हम उस अधिकारियों के निर्णय से सक्षम सहमत है कि नहीं। नहीं तो सरकार, नहीं तो क्षेत्र के किसान यह निर्णय ले चुके हैं कि हम अगर धान बेचेंगे तो ठाकुर टोला सोसाइटी में ही धान बेचेंगे, उसके लिए हमको जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ने के लिए किसान तैयार बैठे हैं। अभी उसके विषय में मैं नहीं कह सकता, अधिकारी के निर्णय आने के बाद वहाँ पे बैठे हुए किसान निर्णय लेंगे कि हमको आगे करना क्या है। जब शासन आपके बारे में नहीं सुन रही है सरकार का अभी तक के कोई भी, देखिए सरकार के 2-3 प्रस्ताव मोबाइल के माध्यम से आए हैं, चाहे वो अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हो, चाहे मेरे पास हो, एक कोई टीम हो या कोई सक्षम अधिकारी,
हमारे से बात करने नहीं आया है अभी तक के। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता, सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही है, हाँ, तब आप जो है किसानों को लेकर क्या चक्का जाम करेंगे? ये किसान निर्णय करेंगे, मैं अकेला निर्णय नहीं कर सकता, हमारी टीम है और किसान जो बैठी हुई है, क्योंकि ये मुद्दा प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक किसान की आखिरी फैसला यही अंतिम 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 तक की लड़ाई होगी। ठाकुर टोला उपार्जन केंद्र खोलने के लिए लड़ाई अंतिम स्तर तक जाएगी। नाम पता खम्मन ताम्रकार, पूर्व उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत शिवकुला। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.